नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों आज 2 सितंबर है और शनिवार है। दोस्तों आज शनिवार के दिन एकादशी का महासंयोग बन रहा है। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है, लेकिन कई स्थानों पर ये भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों आज 2 सितंबर को एकादशी और शनिवार का महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग पर यदि आप कुछ खास उपाय करेंगे तो आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों शनि कर्म के दंडाधिकारी हैं और जाने अनजाने हुई कोई भी गलती हो तो आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। और यदि आप पर शनि की ढैया या साढ़े सती है या कुंडली में शनि दोष है और इस दोष के कारण किसी न किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो आज के दिन एक खास उपाय आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों आज 2 सितंबर के दिन ऐसा योग देखने को मिल रहा है, यानी इस योग में आप कुछ उपाय करके शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और साथ ही साथ सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएं। इस उपाय को अगर आप हमारे बताए अनुसार करेंगे तो आपको चमत्कारी फायदा होगा। दोस्तों शनि भगवान को काला रंग और सरसों का तेल अति प्रिय है। यदि उनके पूजन में हम इसका प्रयोग करते हैं तो शनि देव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों आपने करना ये है कि शनिवार यानी आज 2 सितंबर को शाम के समय नहाकर स्वच्छ होना है और फिर एक साफ मिट्टी का दिया लेना है और एक साफ बत्ती लगानी है। इसके बाद इस दिए में सरसों का तेल डाल दें और फिर इसे अपने घर के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में रख दें। दोस्तों हो सके तो ये उपाय घर का मुखिया ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेठ जी के नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।